हेलो किड्स, आज हम ग्रेट इंडियन लीडर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारी कंट्री को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी, इन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे फादर ऑफ नेशन हैं। इनका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इनका नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता था, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनका कहना था आराम हराम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार पटेल के नाम से जाने जाते थे। ये इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनका नारा था जय जवान जय किसान। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फर्स्ट लीडर थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। ये इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया के सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर थे। Kids, let us now recall the great leaders once again. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabh Bhai Patel, Lal Bahadur Shastri, Bal Gangadhar Tilak, Dada Bhai Noroji, Dr. Rajendra Prasad, Gopal Krishna Gokhale.